चलो आ जाओ मिलकर एक ऐसा लुक रेडी करते हैं जो आप किसी भी टाइम कैरी कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए आप अपना लुक वो रेडी कर सकते हैं, चाहे आप स्कूल की पीटीएम में जा रहे हो और चाहे एज अ स्कूल टीचर स्कूल की पीटीएम अटेंड कर रहे हो, और या आप ऑफिस के लिए जा रहे हो या किसी फेयरवेल पार्टी के लिए जा रहे हो, किसी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, कॉर्पोरेट लुक, आप इस लुक को एक एनी टाइम लुक भी बोल सकते हैं। तो इस लुक को रेडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फेस पर एक हल्का सा CTM करेंगे। CTM में क्या करेंगे हम, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। तो स्टेप वन में हमने किया क्लिनजिंग हमने किया डॉक्टर बत्रा के क्लिनजिंग मिल से, और आप इसकी जगह आप मेकअप रिमूवर वगैरह भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन मोटिव है आपके फेस से सारा का सारा डस्ट निकाल देना और फेस को एकदम क्लीन कर देना, ताकि आप जो मेकअप करने वाले हैं वो आपका बहुत क्लियर रहे और टिके। स्टेप टू में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये इंडल्जियो का टोनर। टोनर से क्या होगा, इससे हमारी स्किन टोन होगी, टाइट होगी, और जो भी हमारे जो पोर्स होंगे वो फिल हो जाएंगे और मेकअप हमारा थोड़ा सा सेटल रहेगा। इसको हमने थोड़ा एक हाथ की दूरी से लगाना है, बिल्कुल फेस के पास से नहीं लगाना है। जिससे हम एक हाथ की दूरी से लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पूरे हमारे फेस पर अच्छे से स्प्रे हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं आप, अगर दिन के टाइम में जा रहे हो तो SPF यूज़ कर सकते हैं, वैसे कुछ खास मेकअप के नीचे मेरे अकॉर्डिंग तो नीड नहीं होती है कि आप SPF लगाएं। इसके बाद हम अपने फेस पे फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ जिससे आपको पता चले कि आप फाउंडेशन को जज कैसे करें कि वो आपकी स्किन के लिए आपके कलर टोन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले आप जिस तरीके से मैंने लगाया इस तरीके से अपने फेस पर एक अपना थोड़ा सा स्क्रैच लगाएं और उसे थोड़ा सा ब्लेंड करके ज़रूर देखें। तो जैसे कि ये आपके फेस जैसे लगाया तो आपको एकदम से वाइट लग रहा है, तो इसको ब्लेंड भी करेंगे तो भी ये इतना अपना कास्ट वाइट ही रख रहा है, तो ये हमारे स्किन टोन पे नहीं जाएगा। अब ऐसे ही मैंने आपको इस वीडियो में देखिए 2-3 अपने कलर्स लगाए हैं जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपके फेस पे किस तरीके का जो फाउंडेशन शेड है वो जाएगा। अब जैसे ही हमने रिकॉग्नाइज किया कि हमको कौन सा शेड जाएगा, यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का फाउंडेशन। तो रिकॉर्ड का फाउंडेशन मैं फाउंडेशन ब्रश में लूँगी, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्यूटी ब्लेंडर पर भी ले सकते हैं, और हल्के हाथ से टैप टैप कर पूरे फेस पर एप्लीकेशन कर ले। और टैप टैप से ही हमें क्यों अपना फाउंडेशन लगाना चाहिए इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं, तो आप वो जाकर जरूर देखिए, उनका लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो टैप टैप करके पूरे फेस पर जब मैं अपना ये फाउंडेशन लगा दूँगी तो इसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको क्या करूँगी, पूरे को ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर हमको थोड़ा सा वेट लेना है, मतलब पूरा उसको पानी में डुबोकर पहले हम गीला कर लेंगे, फिर उसको थोड़ा टाइट निचोड़ देंगे और उससे पूरे फेस को ब्लेंड कर देंगे। और अपने नेक को और अपने ईयर्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। यहाँ पर हमने बहुत लाइट हमने जो फाउंडेशन की लेयर रखी है, क्योंकि ये हम किसी फंक्शन के लिए रेडी नहीं हो रहे। मैंने कहा ना ये एनी टाइम लुक है, इसमें आप अभी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फेस बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे आपने मेकअप किया ही नहीं। अब हम उस ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे, 15 मिनट के अंदर ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यार कहीं जाने के लिए 15 मिनट तो चाहिए ना, इतना तो मिल ही सकता है मेकअप करने के लिए। तो जब ब्लेंडिंग कर देंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का पिंक ग्लो। हाँ जी, पॉन्ड्स का पिंक ग्लो, पॉन्ड्स फिर से मार्केट में धूम मचा रहा है। इसके रिगार्डिंग भी इसमें उन्होंने अपना BB ग्लो दिया है, पिंक ग्लो दिया, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जो बहुत ही ज़रूरी है देखना। और क्यों ज़रूरी है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट और एकदम नंबर 1 रिज़ल्ट देने वाला है। जब आप लगाएंगे आपको हल्का सा तो लगेगा कि फेस थोड़ा वाइट है, पर कुछ ही देर में बिल्कुल सेटल हो जाएगा और आप बचपन की यादों में चले जाएंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है आपको जो पॉन्ड्स की आती थी ना, जो मम्मियाँ लगाती थी, आपको वही आने वाली है। और इसको लगाने का तरीका क्या है आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हैंड के पीछे मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड किया, फिर उसको मैंने फेस पे एप्लीकेशन दिया है। बाकी इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप ब्रश यूज़ करें तो ब्रश को मतलब अपना पाउडर फिल करके फिर इसको डस्ट आउट जरूर करें, अदरवाइज आपका फेस बिल्कुल वाइट वाइट लगने लगेगा। मगर आप ये ट्राई जरूर करना, और मैं इनके लिंक भी डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद हम ब्रोज पता है क्या, जब हम मेकअप करते हैं ना, आप एक तो आप किसी फंक्शन के लिए हैवी मेकअप कर रहे हो उसमें तो आप हर चीज़ का यूज़ कर लेते हो, लेकिन जब हम रेगुलर मेकअप भी करते हैं ना, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे, जैसे ब्रोज को
एकदम थोड़ा सा कॉम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप चाहे स्पूली यूज़ करें, चाहे आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपना कोई छोटा कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही आप इसको कॉम कर देंगे, हल्का सा फिल कर देंगे ना, तो आपको एकदम से मतलब कि क्या करेंगे, उसका अपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा और इतने प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। तो ब्रोज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, ये हमारे फेस का ना इम्पैक्ट बिल्कुल अलग से लाता है। यहाँ पर हम ब्रो फिल कर रहे हैं, ब्रो फिल कर रही मैं पैक की पैलेट से, और इसमें लाइटेस्ट शेड को थोड़े से डार्क के साथ मैंने मैच किया। आईज़ में मैं बहुत सारा कलर नहीं दूंगी, बस इतना दूंगी जिससे आपकी आई सिर्फ थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए और थोड़ा सा अच्छा सा डेप्थ आ जाए वालों आईज़ में आपके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वही अपने थोड़े से लाइट शेड आप यूज़ कर सकते हैं, अर्थ का कोई भी सैंड कलर ले सकते हैं, और उसके बाद डार्क ब्राउन ले सकते हैं, जो भी आपको थोड़ा सा पसंद आता है वो आप कलर ले। जितना लाइट लेंगे, स्किन से मिलता जुलता लेंगे, उतना ही आपका नेचुरल लुक रहेगा। इसमें कोई ग्लिटर का यूज़ नहीं होगा, आईलैशेस का यूज़ नहीं होगा, और आपको लुक इतना पसंद आने वाला है ना, आप लास्ट तक देखेंगे तो आप खुद अपने मुंह से वाव बोलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं आईज़ में कितना डिफरेंस आया बिना मेकअप के और मेकअप वाली में। तो आपको थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं ब्रश को किस तरीके से मैं चला रही हूँ, जिससे आपकी आईज़ पर बहुत लाइट लुक आएगा और बहुत फाइन मतलब आपको शेडो लगेंगे। ब्लेंडिंग की तरफ भी ध्यान दें, ब्रश को जिस तरीके से मैं देख रही हूँ दूर से पकड़कर इस तरीके से आप चलाएं। आप देखो आईज़ को कितनी सेटल लग रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा अभी आईज़ ओपन करेंगी तो जैसे कोई इसमें बहुत हैवी मेकअप किया हो। ब्लेंडिंग आप अच्छे से करते हैं तो बहुत ही सेटल्ड ही लगता है। यहाँ पर लाइनर दे रही हूँ, लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडे का पेन लाइनर, और बहुत ज़्यादा मैं इस पर ब्रॉड या मोटा कोई ड्रामास्टिक लाइनर नहीं दूंगी, सिंपल सा लाइनर दूंगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरीके से आप बहुत आसानी से हल्का, देखो आप पेन को मैंने किस तरीके से पकड़ा है, बहुत आसानी से विंग दे सकते हैं अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो। फिर उसके बाद स्लाइटली आपको जितना मोटा चाहिए ना उतना मोटा कर सकते हैं। बस सबसे पहले आपको अपनी जो आई लैश है सिर्फ उसके ऊपर लानी है। और ये हमारी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए तो प्लीज़ मुझे DM करें। और इस वक्त हमारे कोर्स पर मैंने बहुत अच्छा सा डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 75% ऑफ है। अच्छे से हैंड टू हैंड प्रैक्टिस दे सकूं और अच्छे से समझा सकूं। आगे आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने आई को के कॉर्नर को बिल्कुल इसके पॉइंट से फिल किया है, क्योंकि हमें थोड़ा मोटा नहीं देना, और बाकी आपकी चॉइस है तो आप दे भी सकते हैं। और अगर आप सेल्फ कोर्स चाहते हैं तो सेल्फ क्लासेस भी अवेलेबल है, उसको भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रोफेशनल क्लास दे रही हूँ यहाँ पर। और हम जो ये लुक रेडी करें इसको हम बेसिक लुक ही बोल सकते हैं, बेसिक लुक मैंने इसको नाम दिया है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी आ जाएंगी। और इसके बाद आप अपने इस लुक को ऑफिस में, स्कूल में, मार्केट में, छोटे मोटे फंक्शन में आप कैरी कर सकते हैं। देखिए आप इनकी आईज देखिए, और कुछ भी ओवर नहीं है, पर फिर भी हर एक जो फेस का पार्ट है वो अपने आप में शार्प है और अच्छा लग रहा है। आंखों के नीचे हल्का सा काजल देने के बाद जब आप पाउडरी दे देंगे नीचे से, थोड़ा आई शेडो लगा देंगे, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी आईज बड़ी खूबसूरत लगेंगी, दूसरा आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं। मस्कारा एज यू विश, अगर आपको पसंद है तो आप एप्लीकेशन दें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ब्लश बहुत लाइट दिया है, क्रीमी ब्लश दिया है, पीच कलर है इसका। टेक्निक आप देख सकते हैं स्माइल करके, जो आपका एप्पल जो आपका जो फूला हुआ होगा ना चिक पर जो पोर्शन, जो उस प्लेस पर आप ब्लश डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिट करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सबसे बड़ी खूबसूरती इस मेकअप की है कि इसको यंग गर्ल भी कैरी कर सकती है, और कलर्स के साथ खेलेंगे तो कोई भी छोटा बड़ा इसे कैरी कर सकता है। टेक्निक यही होगी और आप स्टेप्स भी यही फॉलो करेंगे। लिपस्टिक देंगे, यहाँ पर मैंने लिपस्टिक न्यूट दिया है, ब्राउन कलर से लिप लाइन दी है, और उसके बाद इसमें मैं न्यूट कलर फिल कर दूंगी। होप सो आपको ये लुक पसंद आएगा, और कोशिश करती हूँ या मैं हमेशा हर वीडियो में आपको कुछ नया दे सकूं,
और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बालों को मैंने कर्ल करके हल्का सा ट्विस्ट दे दिया है और मैं इसके बाद बहुत ही खूबसूरत ही इनकी क्लिप्स मैं डालूंगी। देखिए आपको ये कितनी सेटल्ड ऑफिस गोइंग भी लग रही हैं, एक इंडिपेंडेंट लड़की लग रही हैं, कॉलेज गर्ल लग रही हैं, एक स्कूल टीचर लग रही हैं। मतलब आप इस लुक को किसी में देखो, एज अ मॉडल भी अगर हम इस लुक को डालते तो वो भी, एज अ स्टूडेंट यंग गर्ल भी डालते तो भी हर लुक पर ये मेकअप जाएगा। तो इसके बाद फिर मिलते हैं एक नए लुक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता। बाय, टेक केयर।